हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाइन्थ क्लास क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो जिसके हमने क्या किए थे जो एग्ज़ाम्पल थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए थे जिसके अंदर हम इ नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे थे रियल नंबर्स की और उनको कैसे हम जो लाइंस हैं उनके ऊपर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने मेरी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप जाके मेरे चैनल को विजिट करके आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो कि वहाँ पर प्ले मिलेगी आपको नाइन्थ क्लास के मैथ की ठीक है और फर्स्ट चैप्टर की तो आप उसके अंदर जितनी भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियोज़ डाल रखी हैं तो आप वो देख सकते हो उससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट जो हमारा पर्पज़ है आज पढ़ने का उसकी तरफ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरी वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आगे शेयर कीजिए आप ठीक है क्योंकि इससे क्या होगा जो वो बच्चे हैं जिनके पास मेरी वीडियोज़ नहीं पहुँच पा रही उनको भी हेल्प मिलेगी और मुझे भी साथ में मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हाँ इतने सारे बच्चे हैं जो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं ठीक है तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमें डिस्कस करनी है तो हमें करनी है वन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज इसके अंदर हमें करना है पहले डेसिमल एक्सपेंशन तो जो फर्स्ट यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा गिवन है यहाँ पे वो दे रखा है हमें राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म तो डेसिमल फॉर्म में बनाने हैं और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है वो है थर्टी सिक्स बाई हंड्रेड अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी जो टर्म है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं हम ऐसे डेसिमल करके भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे थर्टी सिक्स है और इसको हंड्रेड से हम डिवाइड कर रहे हैं अब सबसे पहले तो हमें यह पता है यहाँ पे क्या है जो हमारा थर्टी सिक्स है ये हंड्रेड से छोटा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले कि ये तो इससे डिवाइड होगा नहीं तो हम क्या करेंगे जीरो लिख देंगे जीरो लिख के यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे हम जीरो उतार लेंगे कि पहले तो ये गया ही नहीं किसी चीज़ पे डिवाइड हुआ ही नहीं जैसे अगर ये वन हंड्रेड टू जा पे जाता हंड्रेड थ्री जा पे जाता फिर तो हम यहाँ पे टू थ्री फोर लिखते अब तो ये किसी से डिवाइड हुआ ही नहीं तो हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया फिर हमने पॉइंट लगाया जीरो उतारी फिर ये हंड्रेड थ्री जा पे गया तो यहाँ पे हंड्रेड थ्री जा थ्री हंड्रेड अब यहाँ से हमारे पास यहाँ पे बच गया कितना जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिक्सटी फिर हम दोबारा जीरो उतारेंगे यहाँ पे ठीक है तब ये जाएगा सिक्स पे तो ये यहाँ से आया आया हमारा सिक्स हंड्रेड ठीक है तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री सिक्स ये तो था डिवीजन मेथड अब हमें ये भी पता होना चाहिए अगर क्या हो हमारे ये डिवाइड की टर्म में ऐसे हंड्रेड लिखा हो ठीक है मीन्स जितनी यहाँ पे जीरो होंगी उतने ही हम पॉइंट लगा देंगे उतने नंबर को छोड़ के पॉइंट रख देंगे जैसे यहाँ पे कितने जीरो हैं हमारे पास दो तो हम यहाँ पे फर्स्ट डिजिट छोड़ दिया तो सेकेंड डिजिट छोड़ दिया फिर पॉइंट लगा देंगे और अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो उसके आगे हम अपनी मर्जी से जीरो लिख सकते हैं और ना ही लिख सकते इसको अगर हम पॉइंट थ्री सिक्स भी लिखें तो भी ये गलत नहीं है ठीक है बस रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं जीरो डाल देते हैं तो अगर हम जैसे अब हमारे पास क्या हो यहाँ पे थर्टी सिक्स बाई टेन होता यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा पीछे से एक डिजिट के बाद पीछे से ठीक है तो ये आ गया अगर हमारे पास यहाँ पे थाउजेंड होता तो यहाँ पे इधर थ्री डिजिट छोड़ने थे फर्स्ट सेकंड अब थर्ड भी छोड़ना है तो यहाँ पे है ही नहीं तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो थ्री सिक्स थ्री डिजिट छोड़ दिए फिर हमने पॉइंट लगा दिया और फिर उसके आगे हम जीरो लगाएं ना लगाएं वो हमारी मर्जी है ठीक है तो ये भी हमारा एक जो ये जीरो वाला जो फंडा होता है ये हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं लेकिन अब जैसे हम डेसिमल एक्सपेंसन देख रहे थे तो वो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारे जो थर्टी सिक्स बाय हंड्रेड है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंसन आई वो ज़ीरो पॉइंट थ्री सिक्स आई है अब जो हमारे पास सेकेंड जो इसका पार्ट है वो है वन बाई इलेवन अब हम इसको वन बाई इलेवन मीन्स इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमने पहले स्टार्टिंग में क्या रखा हमारे पास वन है और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम इलेवन से तो यहाँ पे पहले तो ये वन तो इलेवन से छो, छोटा है बहुत तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं तो यहाँ पे जीरो लिख दिया हमने डिवाइड ही नहीं होगा किसी पे फिर हमने ज़ीरो उतार ली अभी भी छोटा है ये फिर हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे फिर एक जीरो और उतारेंगे फिर ये नाइन पे जाएगा तो नाइन पे गया तो नाइन्टी नाइन इलेवन नाइन जहाँ नाइन्टी नाइन तो यहाँ से वन बच गया फिर जीरो आ गया तो ये वो वही वाली जो स्टेप है वो दोबारा रिपीट होने लग गए तो ये फिर कितने पे जाएगा फिर जीरो आएगी यहाँ पे क्योंकि अभी भी डिवाइड नहीं होगा फिर एक जीरो उतारेंगे फिर ये नाइन जा पे जाएगा फिर नाइन्टी नाइन फिर यहाँ पे वन बचेगा फिर हम एक जीरो उतारेंगे फिर ये छोटा रहेगा फिर यहाँ पे जीरो आएगा ठीक है फिर एक और जीरो उतारेंगे फिर ये नाइन पे जाएगा तो मीन्स हमारी जो एक्सपेंसन आएगी वो कैसी आएगी जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन सो ओन बार बार रिपीट हो रही है तो जब बार बार कोई रिपीट होती है चीज़ हम उसको बार में डाल देते हैं तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जीरो पॉइंट जीरो नाइन जो दो डिजिट हैं वही रिपीट हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर बार लगा के लिख देंगे हम ठीक है और ये कैसी है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुआ ना ये तो टर्मिनेट हो चुकी थी ठीक है ये तो टर्मिनेट हो गई थी ये कैसी है नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग क्योंकि दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है ना जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन तो ये क्या है हमारी रीअकरिंग है यहाँ पे रिपीट हो रही है ना तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि ये बार बार आ रहे हैं हमारे पास जो नंबर हैं फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है इन्होंने फोर वन बाई एट अब पहले क्या करेंगे जो मिक्सड फ्रैक्शन है इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे फो फोर की एट के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा फोर एट फोर एट जहाँ थर्टी टू थर्टी टू में वन ऐड करेंगे थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री बाई एट ये तो आपको आता ही होगा कि कैसे करते हैं पहले जो हमारा ये डेनोमिनेटर होता है जो नीचे वाली टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर वाली टर्म है वो उसमें जोड़ देते हैं ठीक है तो यहाँ से आठ आठ चौके बत्तीस होता है ठीक है और उसमें हमने एक ऐड कर दिया तो ये हमारा थर्टी थ्री हो गया तैतीस हो गया ठीक है तो अब हमें क्या करना है इसके भी डिवीज़न करना है इसका भी ऐसे ही तो अब इसका डिवीजन कर लो थर्टी थ्री को एट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा पहले हम कितने पे जाएगा ये हमारा कितने पे डिवाइड होगा फोर जा पे ठीक है एट फोर जा थर्टी टू वन बच गया फिर अब यहाँ पे पॉइंट लगाया जीरो उतार ली ठीक है फिर एट वन जाट फिर यहाँ पे टू बच गया फिर ज़ीरो उतार ली एट टू ज़ा सिक्सटीन फिर यहाँ पे फोर बच गया फिर ज़ीरो उतार ली एट फाइव ज़ा फोर्टी, तो अब ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो यहाँ से हमारे पास क्या आया फोर पॉइंट वन टू फाइव ठीक है तो फोर पॉइंट वन टू फाइव अब ये क्या है? हमारी कैसी टर्म आई है ये तो टर्मिनेट हो गई तो इसका मतलब ये हमारी कैसी थी टर्मिनेट टर्म थी ठीक है अब उसके बाद जो है हमारे पास वो है थ्री बाय थर्टीन थ्री बाय थर्टीन ये हमारा फोर्थ पार्ट है थ्री बाय थर्टीन तो अब हम इसको कर देते हैं थ्री अंदर रखना पड़ेगा अब ये भी याद रखना है आपको कि जो हमारा ऊपर वाला अंक होता है वो हम जिसको हम अंश भी बोलते हैं और अगर इंग्लिश की बात करें तो नमोरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं याद करने का तरीका जो डाउन डी मीन्स डाउन होता है तो वो डाउन नीचे वाला डेनोमिनेटर और ऊपर वाला नोमरेटर और हिंदी में हम अंश और हर बोलते हैं ठीक है तो आपकी मर्जी है आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो ऐसे याद कर लो अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम से हो तो नमोरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में कर लो ठीक है तो ये आ गया हमारा यहाँ से अब हम क्या करेंगे इसको थ्री बाय थर्टीन करना है तो थ्री अंदर रखेंगे थर्टीन से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के लिए अब हमारे पास क्या है थ्री तो स्मॉल है हमारे पास तो यहाँ पे क्या होगा पहले हमारा ये डिवाइड ही नहीं होगा तो हमने जीरो लिख दिया फिर हमने पॉइंट लगाया यहाँ पे जीरो उतार ली फिर अब ये टू जा पे जाएगा थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स होता है ना थ्री जा तो थर्टी नाइन हो जाएगा वो तो बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बचेगा सिर्फ फ़ोर फिर हम जीरो उतारेंगे फिर ये कितने पे जाएगा जा पे जाएगा थर्टी सिक्स जा थर्टी सिक्स फिर ये आगे कितने पे जाएगा यहाँ से फिर हमारा कितना बच गया यहाँ पे फोर नहीं थर्टी नाइन होता है ठीक है थर्टीन थ्री जहाँ थर्टी नाइन तो थर्टी नाइन पर गया तो यहाँ से हमारे पास वन बच गया अब यहाँ पे फिर हमने जीरो उतारे लेकिन फिर जीरो छोटा है तो यहाँ पे ना डिवाइड होने की जीरो रख दिया हमने ठीक है फिर हमने इसके बाद क्या किया एक जीरो और उतारनी पड़ेगी तो फिर ये जाएगा हमारे सेवन जा पे क्योंकि हमें पता है थर्टीन सेवन जा नाइन्टी वन होता है और थर्टीन एट जा हमारा वन हंड्रेड फोर होता है तो वो तो बड़ा हो जाएगा तो वन हंड्रेड फोर तो ये जाएगा हमारे सेवन जा पे नाइन्टी वन यहाँ से बचेगा हमारा नाइन फिर हम एक जीरो उतारेंगे ठीक है फिर अब ये कितने पे जाएगा अब यहाँ से हमारा सेवन जा पे तो नाइन्टी वन तो बड़ा हो गया था लेकिन हमें कितना चाहिए यहाँ पे नाइन्टी से छोटा तो नाइन्टी से छोटा तो हमारा सिक्स जा पे आएगा तो सिक्स ज़ा हमारा कितना होता है थर्टीन सिक्स ज़ा यहाँ पे सेवनटी एट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सिक्स थ्री जा एटीन वन कैरी सिक्स वन जा सिक्स सिक्स और वन सेवन ठीक है तो सेवनटी एट तो जब हम नाइन्टी में से एट्टी माइनस करेंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाइन्टी में से टेन में से एट माइनस किए तो टू यहाँ पे हमारे पास एट था एट में से सेवन माइनस किया तो यहाँ पे वन तो हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया ट्वेल्व अब यहाँ पे ट्वेल्व भी हमारा अब क्या करना पड़ेगा एक जीरो और उतारनी पड़ेगी तो यहाँ पे थर्टीन को जब इससे डिवाइड करेंगे तो जा पे तो बड़ा हो जाएगा टेन जा पे तो सॉरी वन हंड्रेड थर्टी हो जाएगा तो ये जा पे जाएगा तो नाइन जा पे हमने कर दिया इसको डिवाइड तो ये गया हमारा वन हंड्रेड सेवनटीन अब यहाँ पे वन ट्वेंटी में से हम वन सेवेंटीन वन हंड्रेड सेवेंटीन डिवाइड माइनस करेंगे तो थ्री बचेगा अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही दोबारा आ गया अब दोबारा फिर यही प्रोसेस हमारी रिपीट होगी इसके अंदर तो इसका मतलब ये हमारा कैसा है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग और रीअरिंग या फिर रिपीटिंग भी बोल सकते हैं तो यहाँ पे हम थ्री बाई थर्टीन की जो एक्सपेंशन है वो कैसे लिखेंगे ज़ीरो पॉइंट टू थ्री जीरो सेवन सिक्स नाइन और इसके ऊपर बार क्यों डाला हमने ये बार क्योंकि अब दोबारा फिर थ्री आ गया तो अगर हम दोबारा डिवाइड करेंगे तो टू आएगा फिर आगे थ्री भी आएगा फिर ज़ीरो आएगा फिर ना सेवन आएगा फिर सिक्स आएगा फिर नाइन आएगा तो ये टर्म तो हमारी रिपीट होती चली जाएगी ठीक है तो ये था हमारा इसका एक्सपेंसन थ्री बाई थर्टीन का तो अब हम चलते हैं हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसकी तरफ ये हमारा फोर्थ पार्ट था ठीक है फोर्थ पार्ट की एक्सपेंसन देखी हमने ये ठीक है अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसकी एक्सपेंसन देख लेते हैं कि वो कैसे होगा ठीक है तो फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे टू बाय इलेवन अब हम क्या करेंगे टू बाई इलेवन को डिवाइड करेंगे ऐसे ही तो हमने टू अंदर रख दिया इलेवन से हमें डिवाइड करना है टू हमारा छोटा है तो हम यहाँ पर जीरो लगाएंगे पहले तो क्योंकि डिवाइड नहीं होगा और फिर हम यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर जीरो उतार लेंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें अब हमें इसको अब ये ट्वेंटी हो गया अब तो ये डिवाइड हो सकता है ये वन जा पे जाएगा इलेवन वन जावन अब यहाँ से कितना बच गया हमारा नाइन ठीक है अब हम क्या करेंगे एक जीरो उतारेंगे और ये कितने पे जाएगा हमारे एट जा पे तो एट्टी एट अब हमारे यहाँ से कितना आएगा टू फिर अगर हम जीरो उतारें तो ट्वेंटी तो दोबारा फिर यही सेम चीज़ होगी अगर हम इसको भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ से वन जा पे जाएगा इलेवन वन जावन नाइन बचेगा फिर जीरो फिर यहाँ पे एलेवन एट जहाटी एट और फिर टू फिर जीरो तो ये चीज़ हमारी दोबारा दोबारा रिपीट होती रहेगी तो इसका मतलब हम बार बार लिखने की बजाय यहाँ पे क्या लिख देंगे जीरो पॉइंट वन एट का बार तो ये हमारी क्या हो गई डेसिमल एक्सपेंशन हो गई जो हमारा फिफ्थ पार्ट है उसकी ठीक है अब जो हमारे पास नेक्स्ट सिक्स पार्ट जो दिया हुआ है और ये कैसी है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है ना ठीक है तो ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है मीन्स रियकरिंग भी बोल सकते हो रीअकरिंग रैशनल नंबर है हमारे इसकी जो डेसिमल एक्सपेंसन है ठीक है अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सिक्स हमारा नंबर वो है पार्ट है यहाँ पे उस पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन बाई फोर हंड्रेड तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करने के लिए भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा ठीक है तो कितना आएगा थ्री टू नाइन को फोर हंड्रेड से डिवाइड अब 400 से तो डिवाइड होगा नहीं है क्योंकि 329 तो छोटा है हमारा किससे 400 से तो पहले तो हमारे यहाँ पे जीरो ही आएगी फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे जीरो उतार लेंगे फिर हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर हम इसको एटज़ा पे लेके जाते हैं यहाँ पे अगर हम 400 को एट ज़ा से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एट जीरो जीरो एट जीरो ज़ीरो एट फोर ज़ा थर्टी टू तो ये थर्टी टू हंड्रेड आएगा तो ये बिल्कुल ठीक है तो हम एट पे लेके जाएंगे इसको थर्टी टू हंड्रेड तो यहाँ से बचेगा हमारे पास नाइन्टी अब उसके बाद फिर हम जीरो उतारेंगे फिर अब ये फोर हंड्रेड है फोर हंड्रेड टू जाट हंड्रेड ठीक है तो यहाँ पे टू जा पे जाएगा ये एट हंड्रेड तो यहाँ से बचेगा हमारा हंड्रेड फिर उसके बाद हम एक जीरो और उतारेंगे तो अब ये कितने पे जाएगा अभी भी ये टू पे जाएगा क्योंकि थ्री जा पे तो ट्वेल्व हंड्रेड होना चाहिए तो यहाँ पे अभी भी टू पे जाएगा ये तो यहाँ से हम टू पे गया तो एट हंड्रेड तो यहाँ से बच गया बच गया हमारा टू हंड्रेड फिर उसके पीछे हमने जीरो लगा दी अब इसको अगर हम फाइव जा पे डिवाइड करें तो हमारा टू थाउजेंड फाइव से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ से टू थाउजेंड आएगा ठीक है तो ये फाइव से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे आया हमारा टू थाउजेंड और ये हमारी कैसी टर्म जो एक्सपेंसन आई है ये कैसी आई है टर्मिनेट एक्सपेंसन आई है ठीक है तो मीन्स यहाँ से इसकी जो एक्सपेंसन है जीरो पॉइंट एट टू टू फाइव आई है ठीक है और ये कैसी है टर्मिनेट एक्सपेंसन है फिर उसके बाद है जो हमारे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है तो अब हमें क्या करना है सेकेंड क्वेश्चन करना है तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले ये देख लेते हैं हम यहाँ पे दे रखा है यू नो दैट वन बाय सेवन जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है कि हमें जो वन बाय सेवन है अगर हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा इक्वल आएगा यहाँ पे जीरो पॉइंट वन फोर टू एट टू एट फाइव सेवन ठीक है टू एट फाइव सेवन अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है कैन यू प्रेडिक्ट वट डेसीमल एक्सपेंसन टू बाई सेवन थ्री बाय सेवन फोर बाय सेवन फाइव बाय सेवन सिक्स बाई सेवन एंड यहाँ पे दे रखा है हमें ठीक है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन कि हमें क्या करना है ऐसे डिवाइड नहीं करके देखना हमें क्या करना है डायरेक्ट यहाँ से प्रेडिक्ट करना है कि टू बाई सेवन थ्री बाई सेवन फोर बाय सेवन फाइव बाई सेवन और सिक्स बाय सेवन के लिए हमारी जो एक्सपेंशन होगी वो कैसी आएगी ठीक है तो उसको एक्सपेंशन उसकी एक्सपेंशन निकालने के लिए अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा जैसे जो टू बाई सेवन है इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू वन बाय सेवन थ्री इंटू वन बाई सेवन थ्री बाई सेवन इसको फोर इंटू वन बाई सेवन फोर बाई सेवन फाइव इंटू वन बाई सेवन फाइव फाइव बाई सेवन सिक्स को सिक्स इंटू वन बाई सेवन सिक्स बाय सेवन तो अब हम क्या करेंगे टू तो ऐसे लिख देंगे और इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने बार भी दे रखा है तो ये तो हमने ऐसे ही रख दिया और जो ये बार वाली टर्म दी है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी जैसे वन बाई सेवन की वैल्यू ये थी तो हमने यहाँ पे रख दिया जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन का बार ठीक है अब क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन तो कर दो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर लेते हैं जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन की अगर टू से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो टू सेवन जा फोरटीन वन कैरी टू फाइव जा टेन वन इलेवन वन कैरी टू एट जा सिक्सटीन वन सेवनटीन वन कैरी टू टू जा फोर वन फाइव टू फोर जा एट टू वन जा टू जीरो यहाँ पे टू ज़ीरो जीरो होते हैं तो जीरो पॉइंट टू एट फाइव सेवन वन फोर तो यहाँ से क्या आया हमारा इसको अगर हम देखें इसका आंसर क्या आया हमारा जीरो पॉइंट टू एट फाइव सेवन वन फोर ठीक है और वही जैसे इसमें सिक्स टर्म्स के ऊपर बाहर था तो यहाँ पर भी बाहर ही आएगा हमारा ऐसे कैसा ठीक है अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे थ्री बाई सेवन की देखें तो वो भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी हमें यहाँ पे क्या करना है थ्री इंटू वन बाई सेवन यहाँ पे थ्री बाई सेवन को हम थ्री इंटू वन बाई सेवन लिख रहे हैं ना ठीक है तो यहाँ थ्री इंटू वन बाई सेवन की वैल्यू पुट कर देंगे फोर टू एट फाइव सेवन ये और अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करवाते हुए क्या आएगा थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन टू कैरी थ्री फाइव जा फिफ्टीन फिफ्टीन में टू ऐड करेंगे सेवनटीन यहाँ पे वन कैरी थ्री एट जहा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और वन ट्वेंटी फाइव टू थ्री टू जहा सिक्स सिक्स और टू एट थ्री फोर जो ट्वेल्व ट्वेल्व और वन थ्री वन जै थ्री थ्री और वन कितना हो गया फोर ठीक है और यहाँ पे जीरो पॉइंट तो ये जीरो कितना आया हमारा जीरो पॉइंट फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन ठीक है और अब अभी इसके ऊपर भी हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे तो यहाँ पे हम कोई लॉन्ग डिवीज़न तो नहीं कर रहे ये ऐसी लंबी भाग दे के तो देख रहे इसको डिवाइड तो नहीं करके देख रहे लेकिन फिर भी हमारा आंसर ठीक डायरेक्ट आ रहा है यहाँ से फोर इन फोर बाय सेवन की बात करें तो फ़ोर इंटू वन बाई सेवन तो फोर इंटू जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन इक्वल टू जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारा कितना आता है यहाँ से हमारा फ़ोर सेवन ज ट्वेंटी एट होता है तो एट टू कैरी फोर फाइव ज ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी में टू ऐड करेंगे ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू का टू कैरी यहाँ से फोर एट जा कितना आएगा थर्टी टू थर्टी टू और फोर टू थर्टी फोर और टू थर्टी सिक्स थर्टी टू और टू थर्टी टू और टू थर्टी फोर फिर थ्री फिर फोर टू जा एट में थ्री ऐड करेंगे इलेवन वन कैरी फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन वन सेवनटीन वन कैरी फोर वन जा फोर फोर और वन फाइव और यहाँ से ज़ीरो पॉइंट तो ये आया हमारा फाइव सेवन वन फोर टू एट वही सिक्स टर्म्स के ऊपर बार यहाँ पे भी डालना है हमें फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे फ़ाइव बाई सेवन तो फाइव इंटू वन बाय सेवन तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम इसकी फ़ाइव सेवन जा थर्टी फाइव थ्री कैरी फाइव फ़ाइव जा ट्वेंटी फ़ाइव ट्वेंटी फ़ाइव में थ्री ऐड किया ट्वेंटी एट टू कैरी फ़ाइव एट जा फ़ोर्टी फोर्टी में टू ऐड किया फोर्टी टू फोर कैरी फ़ाइव टू जा टेन टेन में फ़ोर ऐड किया 14 वन कैरी फाइव फोर जहा ट्वेंटी ट्वेंटी में वन ऐड किया हमने ट्वेंटी वन यहाँ पे टू कैरी फ़ाइव वन जो फाइव फाइव और टू सेवन और फिर फाइव जीरो जीरो तो ये आ गई हमारी फ़ाइव से मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे सिक्स बाई सेवन इंटू सिक्स इंटू वन बाई सेवन करेंगे तो सिक्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं डायरेक्ट तो यहाँ से आएगा हमारे पास सिक्स फोर सिक्स फाइव ज़ा कितना सिक्स सेवन कितना होता है फोर्टी टू टू फोर कैरी सिक्स फाइव ज़ा हमारा थर्टी थर्टी में फ़ोर ऐड करेंगे थर्टी फोर थ्री कैरी सिक्स एट जा फोर्टी एट फोर्टी एट में थ्री ऐड करेंगे फिफ्टी वन फाइव कैरी फिर सिक्स टू जा ट्वेल्व ट्वेल्व में फाइव ऐड करेंगे सेवनटीन सेवनटीन वन कैरी फिर यहाँ से आगे हमारे पास सिक्स है तो यहाँ पे सिक्स फोर uh, जा ट्वेंटी फ़ोर फोर फोर में हमने कितने कैरी आए हमारे यहाँ पे uh, एक मिनट तो यहाँ पे वन कैरी था हमारे पास ठीक है जब हमने किससे मल्टीप्लाई करवाई इसकी जैसे यहाँ पे हमने सिक्स एट जैसे करवाई तो फोर्टी एट आया तब थ्री कैरी था फोटी एट में थ्री ऐड किया तो फिफ्टी वन वन लिखा और फाइव हमने कैरी कर दिया फिर सिक्स ट्वेल्व सिक्स टू जो ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व में हमने फाइव ऐड किया सेवनटीन सेवेंटीन का सेवन लिख दिया वन कैरी अब यहाँ पे वन कैरी है और ये फोर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है तो सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और वन ट्वेंटी फ़ाइव फिर टू कैरी तो सिक्स वन या सिक्स सिक्स और टू एट तो यहाँ पे फिर जीरो तो ये बन गया हमारा एट्टी फाइव सेवेंटी वन फोर्टी टू ठीक है और इसके ऊपर फिर बार लगेगा तो ये था हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था ठीक है जो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी बाई क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नोट डज नोट इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर हमारे पास जो टर्म दी हुई है जैसे कि आपने एग्जाम्पल भी देखे होंगे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी पहले वो देखिए जिससे आपको ये और भी आसानी से आपको समझ में आएंगे अगर फिर भी अगर आपको यहाँ से भी समझ में, आर, मैं कोशिश करूँगी कि आपको ऐसे भी डायरेक्ट ये यहाँ से भी समझ में आ जाए लेकिन अगर ना आए तो पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है जीरो पॉइंट सिक्स का बार अब अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो उसको इसका मतलब है वहाँ पे सिक्स हमारा बार बार रिपीट और होता है तो हम इस टर्म को क्या करते हैं एक्स के इक्वल मान लेते हैं जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था अगर हम इसको एक्स के इक्वल मान लिया अज्यूम कर लिया हमने इसको तो अगर हम क्या करें इस जो ये इक्वेशन बन गई हमारी वन इसको अगर हम टेन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं बोथ साइड में तो हमारे पास आएगा टेन एक्स ये मैंने पहले रख लिया और यहाँ से टेन इंटू जीरो पॉइंट सिक्स 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 सो ओन ठीक है तो अब हम मैंने क्या बताया था अगर हम क्या करें नाइन टू बाई हंड्रेड लिखते हैं तो हमारा पॉइंट यहाँ लगता है ठीक है और अगर हमारी पहले ही पॉइंट के साथ लगी हो कोई चीज़ और उसको हम टेन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो उसका पॉइंट जब उतारते हैं तो हंड्रेड एक यहाँ से कैंसिल तो एक पॉइंट इसका कम हो जाता है मीन्स पहले दो डिजिट के बाद था अब क्या होगा एक डिजिट के बाद तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा एक डिजिट के बाद बन जाएगा तो यहाँ से आएगा हमारा सिक्स पॉइंट सिक्स 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 सो ऊन अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं जो हमारा सिक्स पॉइंट सिक्स 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 है इसको हम लिख सकते हैं सिक्स प्लस जीरो पॉइंट सिक्स 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 सो ओन अब जो ये ज़ीरो पॉइंट सिक्स सिक्स है ये हमने क्या मानना था एक्स तो यहाँ पे हम एक्स रख सकते हैं और ये किसके इक्वल थीटम टेन एक्स के ठीक है तो यहाँ पे टेन एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स तो जो ये एक्स है ये हमारा उधर चला जाएगा माइनस में टेन एक्स माइनस एक्स इज़ इक्वल टू सिक्स जब टेन में से हम क्या करेंगे एक्स माइनस करेंगे तो यहाँ पे नाइन एक्स बचेगा इज इक्वल टू सिक्स ये जो नाइन है ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवाइड में तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू सिक्स बाय नाइन तो इसको हम काट देंगे थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो हमारी आई वो आई आई टू बाई थ्री तो मीन्स हमने क्या किया जो ये टर्म है हमारी इसको हमने क्या किया पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया जहाँ पे क्यू हमारा जीरो नहीं आया ठीक है अब उसके बाद ये था हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो हमने कर लिया अब हम करते हैं जो नेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चन uh, दे रखे हैं सेकंड पार्ट जो दे रखा है इसका वो सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे जीरो पॉइंट फोर सेवन और सेवन के ऊपर बार है यहाँ पे ठीक है फोर पे नहीं है सिर्फ सेवन पे है ऐसे करके ठीक है सिर्फ सेवन के ऊपर बार दिया हुआ है तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे अब वो देखो तो यहाँ पे अब ये जो टर्म है इसका मतलब है हमारे पास जीरो पॉइंट फोर सेवन 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 सो ओन कि हमारा यहाँ सेवन क्या है बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं तो अगर ये हमारा रिपीट हो रहा है तो जितने के ऊपर बार होता है उससे ही हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको टर्म को तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जो हमारी ये टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं टेन से तो हम इसको जब टेन से मल्टीप्लाई करवाते हैं बहुत इसको हमने एक्स कंसिडर कर लिया और बहुत सारी टेन से मल्टीप्लाई तो टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सेवन 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 के इंटू में हमने टेन रख दिया जब हम इसको टेन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारी कैसी टर्म आएगी यहाँ पे ये हमारी आएगी फोर पॉइंट सेवन 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 सो ओन ठीक है ये कैसी टर्म आएगी हमारी यहाँ से फोर पॉइंट सेवन 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 सो ओन ठीक है तो अब हमारी यहाँ पे क्या होगा ये हमने कर लिया फोर पॉइंट सेवन सेवन आ गया अब हमें क्या करना है इस टर्म को इस टर्म की फॉर्म में लिखना है ठीक है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं हम क्या करें अगर इसमें से हम ये जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन माइनस करके देख लें जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा फो सेवन में से सेवन गई जीरो सेवन में सेवन गई जीरो सेवन में से फोर गया थ्री और यहाँ से फोर में से जीरो गई फोर तो हमारे पास फोर पॉइंट थ्री बचेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेन एक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री प्लस जीरो पॉइंट फोर सेवन 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 सो ऑन ठीक है और जो हमारे ये फोर सेवन सेवन है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं एक्स तो हम यहाँ एक्स रख देंगे टेन एक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री प्लस एक्स अब जो ये एक्स है उधर प्लस का इधर आके माइनस का होगा तो टेन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री तो टेन एक्स में से वन एक्स गया तो यहाँ पे क्या बच गया नाइन एक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री अब ये नाइन क्या होगा इसके डिवाइड में चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री बाय नाइन ठीक है तो ये हमारा क्या आया यहाँ पे जो डेसी जो हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया जो हमारी सेकंड जो टर्म है उसको ठीक है जो कितनी आई हमारी यहाँ पे फोर्टी थ्री फोर पॉइंट थ्री बाई नाइन अगर हम क्या चाहें यहाँ से जो पॉइंट है इसको हटाना है तो ये कितने डिजिट के बाद है वन डिजिट के बाद तो एक डिजिट के बाद है तो इसका मतलब नीचे क्या थी एक जीरो थी हमारे पास तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्टी थ्री बाय नाइन्टी ठीक है तो ये था हमारा जो थर्ड सेकेंड पार्ट था हमारे थर्ड क्वेश्चन का जो हमने यहाँ पे सोल्व किया ठीक है तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो अगर नहीं आया तो आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हो अब हमारे पास है थर्ड पार्ट यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमें देखा है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन और यहाँ पे बार हैं हमारे तीन टर्म्स के ऊपर और मैंने क्या बताया था आपको जितनी टर्म्स के ऊपर बार होता है उसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन सो ओन तो इस टर्म को हमने एक्स कंसिडर कर लिया मान लिया कि ये एक्स के इक्वल है तो अब हम क्या करेंगे इस टर्म को दस वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म्स हैं हमारे पास ठीक है जिनके ऊपर बार हैं तो हमने वन थाउजेंड एक्स इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर भी वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया हमारा जीरो जीरो वन पॉइंट ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो ऐसे ठीक है क्या किया ये जो थ्री थ्री हम थाउजेंड से करवाया ना तो तीन अगर टेन से करवाते तो एक डिजिट से हमारा जो डेसिमल था आगे शिफ्ट होता अब हमने हमारे पास थ्री जीरो थी तो अभी थ्री डिजिट से शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आ गया हमारा तो अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हमारा बनेगा जीरो वन यहाँ पे पॉइंट जीरो जीरो वन यहाँ पे जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन सो वन ठीक है अब अगर हमें इसको इसकी टर्म में लिखना है फर्स्ट वाले में पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और क्योंकि आगे जीरो का तो कोई मतलब है ही नहीं तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं वन पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन ज़ीरो जीरो वन ठीक है और फिर इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे वन थाउजेंड एक्स इज इक्वल टू वन प्लस जीरो यहाँ पे पॉइंट था जीरो वन जीरो जीरो वन ज़ीरो जीरो वन ठीक है तो ये कैसी टर्म बन गई ये वाली टर्म बन गई इसके आगे जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है लिख भी सकते हैं हम तो मीन्स अगर हम इसको जीरो लगा के लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ज़ीरो जीरो वन ठीक है तो अब जो ये वाली टर्म थी यही तो हमने एक्स मानी थी सेम ही टर्म तो थी तो यहाँ पे हमने एक्स रख दिया तो यहाँ से आएगा वन थाउजेंड वन थाउजेंड एक्स इज इक्वल टू वन प्लस और इस टर्म की जगह हमने क्या रखना है एक्स क्योंकि ये एक्स के इक्वल है अब ये एक्स क्या करेगा इधर जाके माइनस होगा तो यहाँ से वन थाउजेंड में से एक्स माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा नाइन्टी नाइन एक्स और यहाँ पे क्या बच गया वन अब ये जो नाइन्टी नाइन है ये ट्रिपल नाइन है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू वन बाई ट्रिपल नाइन ठीक है तो ये आई हमारी यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो ट यहाँ पे एक्सपेंशन फॉर्म आई है इस जो क्वेश्चन जो पार्ट है थर्ड पार्ट थर्ड क्वेश्चन का वो ये आई है वन बाई नाइन 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 ठीक है तो आई होप यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन उसके अंदर हमें क्या दे रखा है एक्सप्रेस जीरो पॉइंट नाइन 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 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू ये भी हमें डेसिमल की फॉर्म में दे रखी है और हमें ये पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर कि जो हमारा आंसर आएगा क्या हम उसको देख के सरप्राइज हो जाएंगे तो यहाँ पे विद यूअर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस जो आंसर यहाँ पे आएगा वो सेंस बनाएगा हमारी कुछ ना कुछ सेंस बनेगी तो उसके बारे में अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ठीक है तो इसको हम कैसे करेंगे अब यहाँ पे हमारे पास जीरो पॉइंट नाइन 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 सो ओन ऐसे टर्न दे रखी है हमने इसको कंसिडर कर लिया ये हमारा एक्स है और अब हमें पता है कि नाइन नाइन बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब एक के ऊपर बार आएगा नाइन नाइन के ऊपर तो यहाँ पे इसको मतलब जीरो पॉइंट नाइन बार लिख सकते थे तो इसका मतलब हमें ये जो टर्म है हमारी जो ये इक्वेशन है इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा टेन से तो हमने क्या किया बोथ साइड टेन से मल्टीप्लाई करवा दिया टेन इंटू जीरो पॉइंट नाइन 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 सो ऑन और इधर भी टेन को हमने क्या किया टेन एक्स को टेन से मल्टीप्लाई करवा दिया तो यहाँ पे अब जो ये टर्म है जब इसको टेन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा जो पॉइंट है एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा नाइन पॉइंट नाइन 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 सो ओन और इधर से आएगा टेन एक्स के इक्वल ठीक है अब जो यहाँ पे ये वाली जो टर्म बन गई इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं तोड़ के नाइन पॉइंट ये नाइन लिख दिया हमने यहाँ पे जीरो पॉइंट नाइन 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 क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही टर्म मिलती है हमें फिर हमारे पास ये बनेगा टेन एक्स अब जो ये वाली टर्म है ये हमने एक्स माननी थी हम यहाँ पे एक्स रख देंगे तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया एक्स रख दिया इज इक्वल टू टेन एक्स अब जो ये एक्स है हमारा ये उधर जाएगा माइनस होएगा तो हमारा नाइन इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस एक्स करेंगे हम यहाँ पे तो माइनस एक्स कर दिया तो यहाँ पे नाइन एक्स आएगा ठीक है अब जो ये नाइन है ये इसके डिवाइड में जाएगा मीन्स ये ऐसे आ गया ना नाइन एक्स इज इक्वल टू नाइन तो नाइन इसके डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से आएगा एक्स इज इक्वल टू नाइन बाई नाइन यहाँ से ये कैंसिल तो ये किसके इक्वल आया वन के तो यहाँ से आपको हमें क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे जीरो पॉइंट नाइन 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 है वो हमारा वन के इक्वल बनता है तो हम यहाँ से जो हमारी कॉमन सेंस है उसको यूज़ कर सकते हैं कि जब हमारी कोई टर्म इतनी नज़दीक हो जैसे वन और अगर हम नाइन के बीच में अगर डिफ्रेंस देखें तो हमारा यहाँ से टेन में से यहाँ पे नाइन गया वन नाइन में से नाइन गई जीरो नाइन में से नाइन गई जीरो यहाँ से भी जीरो तो मीन्स हमारे अगे जीरो जीरो भी आगे रिपीट होगी और यहाँ से हमारे नाइन नाइन भी रिपीट हो रहे हैं ठीक है तो मीन्स हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल टर्म मिल रही है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे हमें हमें क्या मिल रहा है अगर हम इसको यहाँ पे थ्री भी थ्री डिजिट तक भी कंसिडर करते हैं अगर पॉइंट तक तो यहाँ पर जीरो मिल रहा है और वन में वन में और जीरो पॉइंट नाइन नाइन में सिर्फ ये डिफरेंस है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन का तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जब इतना स्मॉल है तो हम इसको नेगलिजिबल भी तो कर सकते हैं नेगलिजिबल का मतलब होता है हम मानने से ही नहीं इनकार कर दें कि हम नहीं मानते इतना छोटा सा डिफरेंस ठीक है तो इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं जो जीरो पॉइंट नाइन 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 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है हमारा किसके वन के ठीक है तो ये था हमारे यहाँ पे जो हमने कन्क्लूड किया कि जीरो पॉइंट नाइन नाइन है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली किसके वन इक्वल आ गया वन के और ये हमने यहाँ पे अपना आंसर भी जस्टिफाई कर दिया डिफरेंस देख के ठीक है अब उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर है वट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसीमल एक्सपेंसन अगर हम वन बाई सेवेंटीन का क्या करें डेसीमल एक्सपेंसन लेते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो रिपीट होंगे ठीक है ब्लॉक में वो कितनी बार होंगे परफॉर्म द डिवीजन टू चेक यूअर आंसर तो हमें यहाँ पे पहले तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड चेक करना पड़ेगा कि कितने नंबर बाद हमारा जो ये जो क्यो सेंट है रिपीट करना स्टार्ट करेगा तो हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में जो है वो है वन बाय सेवनटीन अगर हम जैसे यहाँ पे जो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ठीक है तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमें जो दे रखा है वो वन बाय सेवनटीन दे रखा है हम क्या करेंगे वन बाय सेवनटीन को पहले डिवाइड करेंगे यहाँ पे वन हमें अंदर रखना है सेवनटीन से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पहले तो वन तो हमारा बहुत स्मॉल है तो यहाँ पे ये यह डिवाइड होगा ही नहीं तो जो हमने जीरो लगा दी पॉइंट रखा यहाँ जीरो उतार ली फिर भी हमारा टेन भी स्मॉल है फिर हमने जीरो रख ली फिर उसके बाद ये हमारा क्या बन गया वन हंड्रेड बन गया फिर ये कितने पे जाएगा सेवनटीन फाइव जा पे जाएगा सेवनटीन फाइव जहाँ एट्टी फाइव तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा फिफ्टीन बचेगा ठीक है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जीरो उतारेंगे फिर ये कितने पे जाएगा हमारा एट जा पे जाएगा क्योंकि सेवनटीन ऐट जहाँ जो हमारा होता है वो वन थर्टी सिक्स होता है ठीक है तो सेवन एटजा वन थर्टी सिक्स पर जाएगा तो अब यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे वन फोरटीन बचेगा ऊपर से जीरो उतारेंगे फिर ये जा पे जाएगा वन थर्टी सिक्स ठीक है फिर यहाँ से हमारा कितना बचेगा फिर हमारा यहाँ पर फोरटीन बचेगा सॉरी फोर्टीन ही फोर बचेगा ठीक है फिर फोर बचेगा फिर हम जीरो उतार लेंगे फिर ये हमारा क्या है यहाँ पर सेवनटीन टू जा हमारा थर्टी फोर होता है तो फिर ये टू जा पे जाएगा थर्टी फोर फिर यहाँ से हमारा सिक्स बच गया फिर हमने जीरो उतार ली फिर ये कितने पे जाएगा सेवन थ्री जा पे जाएगा सेवन थ्री जा फिफ्टी वन होता है तो ये थ्री जी थ्री जा पे कर दिया हमने यहाँ पे फिर थ्री जा पे फिफ्टी वन आ गया यहाँ पे यहाँ पे कितना बच गया नाइन फिर उसके बाद फिर जीरो उतारी फिर हमारा ये कितने पे जाएगा फाइव जा पे क्योंकि हमें पता है कि ये सेवनटीन एट जा एट्टी फाइव सेवन फाइव जहा एट्टी फाइव होते हैं फिर हमने एट्टी फाइव पर भेज दिया इसको फिर इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ से नाइन्टी में से एट्टी फाइव माइनस करेंगे तो फाइव बचेगा फिर यहाँ पर जीरो गई फिर ये कितने पे जाएगा टू थ्री जहा पे तो बड़ा हो जाएगा फिफ्टी वन फिर ये टू जा पे जाएगा तो यहाँ पे टू जा पे गया ये थर्टी फोर यहाँ पर फिर कितनी बच गया हमारे यहाँ पर यहाँ पर सिक्सटीन बच गया ठीक है फिर हमने क्या किया यहाँ पर जीरो उतार ली फिर जीरो उतारी फिर हमने इसको देखा चेक किया नाइन जा पे तो टेन जा पे तो बड़ा था तो ये नाइन जा पे जाएगा ठीक है तो नाइन जा पे ये जाएगा वन फिफ्टी थ्री पे तो यहाँ से फिर हमारा बच गया कितना सेवन फिर सेवन बच गया तो हमने यहाँ पे जीरो उतार ली फिर ये कितने पे जाएगा ये जाएगा हमारे जा पे ठीक है क्योंकि सेवनटीन फोर जहा सिक्सटी एट होते हैं ना तो यहाँ पे सिक्सटी एट पर गया तो यहाँ पे फिर टू बच गया फिर इसको हमने जीरो उतारी तो ये वन जा पे गया यहाँ पे फिर हमारे यहाँ से थ्री बच गया फिर जीरो उतार ली फिर ये टू जा पे, पे तो जाएगा नहीं क्योंकि सेवनटीन टू जा तो थर्टी फोर होंगे तो फिर वन पे जाएगा तो फिर वन पे गया तो ये सेवेंटीन में से ये माइनस किया तो इसमें से बच गए कितने थर्टी में से सेवनटीन माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे हमारे थर्टीन तो फिर हमने जीरो उतार ली यहाँ पे फिर हम यहाँ पे जीरो उतारेंगे फिर हम चेक करेंगे ये कितने पे जाएगा यहाँ पे हमारा अब हमने देखा था एट जावे तो वन थर्टी सिक्स होता है तो ये सेवन पे जाएगा ठीक है तो हमने ये सेवन पे डिवाइड कर दिया तो सेवन सेवन पे वन हंड्रेड नाइनटीन होता है अब इसमें से हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो इलेवन बचेगा फिर हम जीरो उतारेंगे फिर इसको जब हमने चेक किया दोबारा कि कितने पे डिवाइड होगा ये ये हमारा जाएगा सिक्स जा पे क्योंकि सैवन तो हमारा वन हंड्रेड नाइनटीन था तो इससे एक कम पे जाएगा तो इस पे तो ये जाएगा हमारा कितने पे सिक्स जा पे तो सिक्स जा पे वन हमारा बनता वन हंड्रेड टू फिर यहाँ से हमारा बच गया एट फिर हमने जीरो उतारी फिर ये आगे फिर डिवाइड होगा फिर ये जाएगा हमारा दोबारा कितने पे फोर जा पे क्यों फोरजा पे क्योंकि यहाँ पे हमें पता है सेवनटीन फोर जा हमारा सिक्सटी एट होता है फिर यहाँ पे हमारा हमारे पास बचेगा यहाँ पे ट्वेल्व फिर ट्वेल्व के लिए हम यहाँ पे जीरो उतारेंगे जीरो उतार लिया हमने वन ट्वेंटी आ गया हमारे पास फिर हमने इसको देखा डिवाइड करके ये कितने पे जाता है तो ये वन हंड्रेड नाइनटीन पे जाएगा तो मीन जा पे जाएगा वन हंड्रेड नाइनटीन अब फिर हमारा रिमाइंडर कितना बच गया वन बच गया अब हमने स्टार्ट भी कहाँ से किया था वन से किया था अब यहाँ पे देख सकते हो पहले हमारे पास वन बाई सेवनटीन था फिर हमने यहाँ पे जीरो जीरो उतार के बार बार आगे डिवाइड करके तो ये इतनी मतलब लॉन्ग डिवीजन आ गई इसकी और लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा वन तो मीन्स यहाँ पे हमारे जो ये जो वाले जो नंबर अब दोबारा फिर रिपीट होंगे ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें हमने क्या कॉन्क्लूजन क्या आंसर देना है कि कितने डिजिट के बाद हमारा दोबारा रिपीट करना स्टार्ट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो सिक्सटीन डिजिट के बाद हमारी जो ये डिवीज़न है दोबारा फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गई तो हम पहले तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव एट एट टू थ्री फाइव टू नाइन फाइव फोर वन वन सेवन सिक्स फोर सेवन और इसके ऊपर बार ठीक है ये तो इसकी क्या आई है यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है अब हमें यहाँ पे बताने थे कि कितने नंबर कितने डिजिट के बाद हमारा जो ब्लॉक है वो रिपीट करना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ लिखेंगे देर आर सिक्सटीन डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक जो रिपीट होगा ब्लॉक हमारा उसके अंदर कितने कितने डिजिट होंगे हमारे सिक्सटीन सिक्सटीन डिजिट होंगे ठीक है तो ये था हमारा जो नेक्स्ट uh, क्वेश्चन था फिफ्थ क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया ठीक है ठीक है तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पे जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया हुआ है लुक एट सवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे पास कुछ रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम रिप्रजेंट करते हैं बट जो पी बाई क्यू होता है उनके अंदर कुछ भी चीज़ यहाँ पे कॉमन नहीं होती ठीक है कोई भी इंटीजर कॉमन नहीं होता सिवाय वन के ठीक है और वो फिर भी क्या होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं टर्मीनेट जो उनकी डेसीमल एक्सपेंसन देखते हैं हम वो हमारी कैसी आती है टर्मिनेटिंग आती है तो ऐसी कुछ यहाँ पे क्यू जो हमारा इंटीजर है उसकी कुछ वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी जिसकी हेल्प से हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अब यहाँ पे है क्या चीज़ हमारे पास अगर देखा जाए तो ओवरऑल इन्होंने बोला है कि हमारे पास कुछ जो रैशनल नंबर ऐसे होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं और हम ये भी बोलते हैं कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा अगर हम p बाय क्यू लेके चलते हैं कोई रैशनल नंबर तो कुछ यहाँ पे q की टर्म्स ऐसी होगी जिसकी अगर वो डायनोमिनेटर में हमारी टर्म आ जाती है तो वो क्या करेगा उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और जो वहाँ पे हमारी जैसे डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ तो बार बार रिपीट होकर आ रही थी नॉन टर्मिनेटिंग आ रही थी लेकिन वहाँ पे क्या आएगी टर्मिनेटिंग आएगी तो क्यू की कुछ ऐसी वैल्यू क्या आपने यहाँ पे जैसे जो हमने न्यूमेरिकल किए उनकी हेल्प से क्या आपने ऑब्जर्व की तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं अगर हम देखें यहाँ पे ओवरऑल तो जैसे अगर हम क्या करें Q को हम पहले तो हम टू मान के चलते हैं ठीक है टू अगर हम लेके चले चलें यहाँ पे वन के अलावा वन तो लेना है नहीं टू लेके चले चलें तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं P की वैल्यू तो हमने वन बाई टू रख दिया तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे वन से टू को पहले जाएगा ही नहीं फिर यहाँ पे जीरो उतारेंगे पॉइंट रख के फिर फाइव जा पे तो ये हमारा डिवाइड करने के बाद ज़ीरो पॉइंट फाइव आएगा तो ये टर्मिनेट है पूरा पूरा डिवाइड कर दिया इसने ऐसे ही अगर हम यहाँ पे क्या करें वन बाय थ्री लेते हैं तो यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री 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 ऐसे बार बार रिपीट होगा तो मीन्स ये तो नॉन टर्मिनेट हो गया तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे फोर रखते हैं तो फोर के केस में जैसे यहाँ पे पहले वन है तो जाएगा नहीं जीरो लिख दिया हमने पॉइंट लगा दिया फिर यहाँ जीरो उतार लिया फोर टू जाट फिर टू बचा फोर जो उसके पीछे जीरो लगाई फोर फाइव जा तो ये इसने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे टू फोर ठीक है और आगे अगर हम ट्राई करें तो अगर हम फाइव लेके चले अब वन बाई फाइव तो यहाँ पे क्या करेगा पहले तो ये जाएगा नहीं जीरो पॉइंट यहाँ पे जीरो उतरेगी तो यहाँ पे क्या आएगा फाइव टू जा टेन ठीक है ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो मीन्स डेनोमिनेटर क्यू की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो फाइव फोर टू और भी हो सकती है वन बाई सेवन करें तो वो तो पॉसिबल नहीं है खैर ठीक है क्योंकि वो तो यहाँ पे क्या आएगा सेवन पॉइंट यहाँ पे सेवन वन जा सेवन काफ़ी लेंथी आती है ये हमने पहले भी चेक किया बल्कि जो हमने क्वेश्चन किए थे वो टू बाई सेवन वाले उसके अंदर भी देखा था हमने इसकी एक्सपेंशन तो जीरो पॉइंट वन फ़ोर टू एट फाइव सेवन और ये रिपीट होकर आती है तो ये भी पॉसिबल नहीं है अगर हम वन बाई एट लेते हैं तो यहाँ से कितना आएगा अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं वन बाई एट की वन हमने रख दिया एट से डिवाइड करेंगे यहाँ पे जीरो पॉइंट ज़ीरो एट वन जहा एट टू जीरो यहाँ पे एट कितने पर जाएगा ये टू जा पे एट टू जा सिक्सटीन यहाँ पे फोर जीरो एट फाइव ज़ा फोरटी ठीक है तो ये हमारा बन गया 0.124 इसका मतलब इसने भी टर्मिनेट वैल्यू दे दी तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया अगर हमारी Q की वैल्यू टू फोर फाइव एट या फिर अगर टेन भी हो टेन हो तो हमें पता ही है डायरेक्ट हम पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो टू फ, आ, फोर फाइव एट और टेन हो तो हमारी जो आ, जो रैशनल नंबर होगा वो कैसा होगा टर्मिनेट अगर हमारी क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या पॉसिबल हो हमारी टू हो फोर हो फाइव हो यहाँ पे एट हो और टेन हो तब हमारी क्या होती है जो हमारी टर्म्स आती हैं वो टर्मिनेटिंग टर्म्स आती हैं अगर हमारा डेनोमिनेटर इनमें से एक हो ठीक है तो ये हमने क्या किया ऑब्जर्व किया कि यहाँ से हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट हो के आएगी अब उसके बाद जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है राइट द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रियकरिंग कुछ यहाँ पे नंबर बताने हैं हमें जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो हमारी क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रियकरिंग अब हमने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था रैशनल और इरेशनल नंबर और उनकी जो ये डेसिमल एक्सपेंशन डिस्कस की थी तो हमने क्या देखा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो टू टाइप के होते हैं या तो उनकी जो डेसिमल एक्सपेंसन है जब उनको डिवाइड करते हैं टर्मिनेट कर जाती है जैसे हमने ये एग्जाम्पल देखे जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू ये वाले ऐसे वन बाई टू वन बाई फोर वाले ठीक है लेकिन या फिर क्या करते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं मतलब टर्मिनेट तो नहीं करती लेकिन रिपीट होते हैं बार बार ठीक है सेकेंड क्या देखा था नॉन टर्मिनेटिंग और बार बार रिपीट होने वाले मीन्स रीअरिंग वाले थे लेकिन हमने वहाँ पे देखा था कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं इ नंबर की अगर हम डेसिमल एक्सपेंसन देखें तो वो नॉन टर्मिनेट होती है और नॉन रियकरिंग भी होती है मीन्स ना तो वो टर्मिनेट हो रहे होते और ना जो उसके नंबर हैं जैसे ईस में थ्री थ्री बार बार रिपीट हो रहा है ना वहाँ पर रिपीट हो रहे होते तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब इ नंबर जितने होंगे उनकी कैसी डेसीमल एक्सपेंसन आएगी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रियकरिंग तो हम हमें यही एग्जाम्पल तो देने हैं यहाँ पे कि जिसके क्या हो जिनकी डेसिमल एक्सपेंसन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन अकरिंग हो तो हम क्या क्या एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं रूट टू रूट थ्री रूट फाइव ठीक है रूट जो ट्वेंटी सिक्स रूट वन हंड्रेड फाइव ठीक है वन हंड्रेड टेन तो ये वाले ऐसे वाले एग्जाम्पल दे सकते हैं हम यहाँ पे ठीक है और इसके जो डिवीज़न है वो भी चेक करके देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी आएगी जैसे हमारी रूट वन टू की देखें तो वन पॉइंट वन फोर आती है फोर वन ठीक है वन पॉइंट फोर वन और इसकी आती है वन पॉइंट सेवन थ्री ठीक है और इसकी आती है हमारी टू पॉइंट समथिंग टू पॉइंट वन सेवन और ये जो हमारा ट्वेंटी सिक्स है इसकी आएगी हमारी फाइव पॉइंट ज़ीरो नाइन नाइन और वन हंड्रेड फाइव है जो इसकी आएगी टेन पॉइंट जीरो फोर नाइन एट नाइन नाइन समथिंग कुछ ठीक है तो क्यों क्योंकि ये वन हंड्रेड फाइव है ना हंड्रेड से तो बड़ा है ठीक है तो हमने टेन लगा दिया और पॉइंट फाइव है तो उसके लिए हमने कुछ भी डेसीमिनल नंबर लगा दिया ऐसे ही जो ट्वेंटी सिक्स है इसके फाइव ये फाइव से बाद आता है ना जैसे फाइव का स्क्वेयर करें तो ट्वेंटी फाइव आता है ट्वेंटी फाइव के नाम का तो फाइव हो गया जो पॉइंट में वन रह गया उसके नाम का हमने ये रख दी वैल्यू तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं या फिर हमें तो सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल देना है ना तो हम ये वाले एग्जाम्पल दे सकते हैं ठीक है अब उसके बाद है हमारे पास फाइंड द थ्री डिफरेंट इ रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर फाइव बाई सेवन एंड नाइन बाई इलेवन हमें क्या करना है फाइव बाई सेवन और नाइन बाई इलेवन के बीच में हमें इ रैशनल नंबर निकालने हैं तो पहले हमारे पास क्या है? ये एट्थ क्वेश्चन है पहले हमारे पास फाइव बाई सेवन तो हमें पहले फाइव बाई सेवन के एक्सपेंसन देखने होंगे डेसीमल एक्सपेंसन फिर नाइन बाई इलेवन के देखने होंगे तो अगर हम फाइव फाइव बाई सेवन के देखें यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर अगर हम देखते हैं फाइव बाई सेवन का तो पहले तो जीरो पॉइंट यहाँ पे जीरो उतार लिया फिर ये कितने पे जाएगा सेवन सेवन जा पे जाएगा सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन होता है तो यहाँ पे वन फिर जीरो तो सेवन वन जावन फिर यहाँ पे थ्री फिर यहाँ पे जीरो फिर यहाँ ये सेवन फोर जा ट्वेंटी एट ठीक है तो सेवन फोर जा ट्वेंटी एट टू ज़ीरो सेवन टू जा फोरटीन सिक्स फिर जीरो सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स फिर फोर फिर ज़ीरो फिर यहाँ पे सेवन कितने पे जाएगा ये सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव ठीक है फिर हमारा कितना बच गया यहाँ पे फाइव बच गया रिमाइंडर तो अब यहाँ पे जब हमारा फाइव रिमाइंडर बच चुका है तो इसका मतलब अब दोबारा फिर रिपीट होगी हमारी ये एक्सपेंसन तो हम इसका यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जीरो पॉइंट सेवन वन फोर टू एट फाइव का बार ठीक है क्योंकि ये रिपीटिंग है फिर इसके बाद हमारे पास नाइन बाई इलेवन है तो नाइन बाई इलेवन का हम यहाँ पे कैलकुलेट करें अगर ये नाइन अंदर और इलेवन से हम डिवाइड करेंगे तो पहले तो जाएगा नहीं जीरो पॉइंट जीरो उतार लिया नाइन एट जा एट्टी एट यहाँ से बच गया हमारा कितना यहाँ पे बचेगा हमारा कितना ये था टेन टेन में से टू बचेगा यहाँ पे आ, जीरो तो टू बच गया अब हम जीरो उतारेंगे फिर यहाँ पे जीरो आई हमारी फिर यहाँ पे जीरो लगा दी फिर ये कितने पे जाएगा ये यहाँ पे सॉरी ये ट्वेंटी आया था ना ये इलेवन वन जा पे चला जाएगा तो ये वन जा पे चला गया अब यहाँ से फिर नाइन फिर ये सेम चीज़ आ गई ठीक है अगर हम दोबारा करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे आएगा एट जा एट्टी एट और फिर यहाँ पे टू बचेगा फिर जीरो उतारेंगे फिर इलेवन वन जा पे जाएगा मीन्स एट्टी वन एट्टी वन रिपीट होगा तो यहाँ ज़ीरो पॉइंट एट वन का बार रख देंगे तो ये दो आ गई हमारे एक्सपेंसन तो इसके बीच में हमें डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं तो डिफरेंट इरेशनल नंबर कहीं से भी बना सकते हैं हम जैसे जीरो पॉइंट हमने क्या किया सेवेंटी वन से स्टार्ट करके एट्टी वन के बीच में कहीं भी एडिट कर सकते हो ठीक है तो हमने कर दिया सेवनटी थ्री जीरो सेवनटी थ्री डबल जीरो सेवनटी थ्री ट्रिपल ज़ीरो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सेवनटी टू जीरो सेवनटी टू डबल जीरो सेवनटी टू ट्रिपल ज़ीरो ऐसे ही सेवनटी फोर फाइव सेवनटी फाइव जीरो सेवनटी फाइव डबल जीरो सेवनटी फाइव ट्रिप्पल जीरो ऐसे करके हम बहुत सारे हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे सेवनटी वन से लेके और सेवेंटी फाइव एट्टी वन के बीच में एग्जिस्ट करेंगे जैसे सेवनटी थ्री सेवनटी टू सेवनटी फाइव सेवेंटी सिक्स सेवनटी सेवन सेवनटी एट एट्टी ठीक है बस यहाँ तक जाएंगे फिर उसके बाद तो अब है हमारे पास आगे जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर हमें यहाँ पे हमारे जो नंबर्स हैं उनको क्लासिफाई करना है कि वो हमारे रैशनल नंबर हैं या फिर इरेशनल नंबर हैं अगर हम देखें तो हमें फ़र्स्ट जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है वो है हमारा अंडर रूट ट्वेंटी थ्री तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले जो अंडर रूट ट्वेंटी थ्री है इसके हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा एग्जैक्टली स्क्यर रूट किस चीज़ का बनता है ठीक है तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे स्क्यर रूट दे रखा है ट्वेंटी थ्री को तो अब हम देखते हैं जैसे अगर हम रूट ट्वेंटी फाइव की बात करेंगे तो वो हम सोल्व कर सकते हैं कि वो फाइव बन जाएगा वो हमारा रैशनल नंबर बन सकता है लेकिन क्या हमारा ट्वेंटी थ्री भी सोल्व हो सकता है तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके पहले हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे मीन्स ये टोटली कितने पर डिवाइड होगा वो देखना पड़ेगा हमें इसको तो यहाँ पर हम जैसे हमारे पास क्या है ट्वेंटी थ्री है अगर हम ट्वेंटी थ्री का स्क्यर रूट निकालें तो यहाँ पर फ़ाइव पे तो बड़ा हो जाएगा तो हम फोर पे लेके जाएंगे इसको फोर फोर जिक्सटीन फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे सेवन बचेगा ठीक है और फोर फोर हमारा यहाँ पे एट होता है ये हमारी प्रोसेस होती है जब हम क्या करते हैं जब हम जब हमारे पास क्या होता है स्क्वेयर रूट्स दिए होते हैं और हमें ये निकालना होता है कि ये जो टर्म हमें दी हुई है ये किसका स्क्वेयर बनेगी ठीक है उसका प्रोसीजर है ये तो अब यहाँ पर ये यह हमारा आ गया अब उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास ये फोर्स पे गया था फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे डबल जीरो उतारते हैं यहाँ पे हम ठीक है तो हमने डबल डबल नंबर्स लेके चलने हैं यहाँ पे पेयर में तो हमने पेयर ले लिया अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कितने पे डिवाइड होगा तो ये आगे सेवन पे डिवाइड होगा ठीक है अब हम सेवन पे सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन का फोर आ, कैरी चला गया और फिर यहाँ पे सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स में अगर हम ये फ़ोर ऐड करेंगे तो ये कितना होगा हमारा फिफ्टी सिक्स में फ़ोर ऐड कर दिया हमने सिक्सटी बनेगा ठीक है फिर यहाँ से हमारे पास ये टेन टेन में से नाइन गया वन यहाँ पे नाइन और ये जीरो नाइन्टी वन हो गया अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फोर्टीन का फोर वन कैरी नाइन नाइन्टी फोर फिर बाद में दोबारा फिर क्या करेंगे डबल जीरो उतारेंगे और यहाँ पे हम जब डबल जीरो उतारी तो यहाँ पे हमारा क्या था पॉइंट लग चुका था ठीक है हमने यहाँ पे पॉइंट रखना था तो जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वहां भी रखते हैं जब जीरो जीरो उतारते हैं तो पहले पॉइंट लगाते हैं ठीक है ऐसे ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा अब ये हम देखते देख रहे हैं कि ये आगे कितने पे जाएगा अगर हम यहाँ पे नाइन लेते हैं तो जैसे मतलब अगर टेन लेंगे तो टेन पे तो हमारा ये काफी बड़ा चला जाएगा ठीक है लेकिन हम नाइन पे अगर करके देखें इसको तो यहाँ पे नाइन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम कितना बनेगा नाइन का एट्टी वन लिख दिया एट कैरी के चला गया नाइन फोर जा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में एट ऐड करेंगे फोर्टी फोर फोर्टी फोर का फोर लिख दिया फोर कैरी चला गया नाइन नाइन ज़ा एट्टी वन एट्टी वन में फोर ऐड करेंगे तो एट्टी फाइव ठीक है तो ये हमारा कितने पे जाएगा नाइन पे जाएगा तो यहाँ से हमारा आया एट फाइव फोर वन तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा टेन में से वन गया नाइन नाइन में से फोर गया फ़ाइव यहाँ पर अब जीरो है तो टेन में से फाइव गए फाइव गए फाइव यहाँ पे एट एट में सेट गई जीरो तो अब ये बच गया अब हमने फिर डबल जीरो उतारनी है फिर यहाँ पे यहाँ नाइन से किया था हमने ये नाइन ऐड करेंगे इसके अंदर और यहाँ पे नाइन नाइन एट्टीन वन कैरी फाइव और ये नाइन अब इसकी इसके साथ करवानी पड़ेगी हमें ठीक है तो यहाँ पे क्या है हमारी जो ये वैल्यू है ये हमारी ऐसे ही चलती रहेगी आगे आगे ठीक है आगे हम इसको चेक करेंगे तो ये आगे फिर नाइन पे जाएगा नाइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे नाइन ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आगे हमारी रिपीट तो नहीं होगी मीन्स टर्मिनेट भी नहीं होगी तो मीन्स हमें कैसी जो इसकी डेसीमल एक्सपेंसन है वो कैसी मिलेगी हमें हमें मिलेगी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रियक्रीन ठीक है और हमें पता है कि ये ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है हमारे इरेशनल नंबर की होती है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया ये हमारा इरेशनल नंबर है ठीक है ये था हमारा नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अब हम करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है अंडर रूट टू टू फाइव अब अंडरूट टू टू फाइव हमारा परफेक्ट स्क्यर होता है किसका अगर हम अगर आपको यहाँ डायरेक्ट या, ये याद ना हो तो आप हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसी मेथड से जैसे टू टू फाइव ले लिया हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे टू टू का पेयर बनाएंगे और यहाँ से भी हमने टू का पेयर बना लिया अब हमें पता है कि जो फर्स्ट स्क्यर है वन का वन का स्क्वेयर वन होता है टू का स्क्यर फोर फोर तो हमारा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको वन पे ही लेके जाएंगे तो यहाँ पर वन का स्क्वेयर वन ठीक है और इधर हमने लिख दिया वन तो वन वन जब वन ही होता है ठीक है तो यहाँ पे वन का स्क्यर वन रख दिया तो यहाँ पे वन आ गया अब इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पे वन बचेगा और ऊपर से टू फाइव आ गया और वन में वन ऐड करेंगे तो यहाँ पे टू बनेगा और यहाँ पे फिर फाइव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको ये बनेगा हमारा वन ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है हमें पता है कि ट्वेंटी फाइव फाइव से अभी हमारे वन ट्वेंटी फाइव ही होते हैं तो अब ये जो हमारा इसका जो टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव है इसका जो स्क्यर आया है वो कितना आया है फिफ्टीन मीन्स जो ये वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव है इसका स्क्यर रूट हमारा फिफ्टीन आया है मीन्स क्या है कि फिफ्टीन का अगर हम स्क्यर करते हैं तो वो हमें टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलता है तो हम इसको फिफ्टीन के इक्वल लिख सकते हैं और ये इसके बाई में वन तो है ही है तो इसका मतलब इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो ये हमारी कैसी टर्म आई है ये हमारा कैसा नंबर है ये हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्येयर है ठीक है अब उसके बाद जो हमें नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट में दे रखी है टर्म वो टर्म दी हुई है यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री सेवन नाइन सिक्स अब यहाँ देखते ही पता लग रहा है कि हमारा जो ओवरऑल है ये पूरा सोल्व हो चुका है आगे ना इसके ऊपर बार है ना यहाँ पे पॉइंट पॉइंट लगा रखा ठीक है तो इसका मतलब ये हमारी कैसी टर्म दे रखी है इन्होंने टर्मिनेटिंग ठीक है डेसिमल कैसा दे रखा है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रखा है अगर ये टर्मिनेटिंग डेसीमलमल है तो इसका मतलब ये क्या है एक रैशनल नंबर है क्योंकि हमें पता है कि रैशनल नंबर का ही एक जो डेसीमल एक्सपेंसन होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर रीअकरिंग होता है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग ठीक है और यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि रैशनल नंबर के केस में हमारे पास दो केस होते हैं कि एक हमारा टर्मिनेटिंग और सेकेंड हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअरिंग हो वहाँ पे ठीक है लेकिन जब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं वहाँ पे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रीअकरिंग नहीं होता वहाँ पे सिर्फ क्या होगा कोई और अलग अलग नंबर आएंगे वहाँ पे नॉन नॉन रियकरिंग आएगा ठीक है तो ये था ये हमारा थर्ड पार्ट जो हमने देख लिया कि यहाँ देखते ही पता लग रहा था ये टर्मिनेटिंग था और टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं रैशनल नंबर अगर तर, हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो तो ठीक है अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सेवन पॉइंट फोर सेवन एट फोर सेवन एट अब ये जो फोर सेवन एट फोर सेवन एट है हमें क्या दिख रहा है कि ये फोर सेवन एट फोर सेवन एट दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है ठीक है और आगे भी इसके यहाँ पॉइंट पॉइंट लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये रिपीट हो रही है ठीक है टर्म तो यहाँ पे फोर सेवन एट के ऊपर हम बार लगा सकते हैं तो ये कौन सी फॉर्म हुई इसके अंदर क्या नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि स्टॉप नहीं हुई और सेकंड क्या इसके अंदर दोबारा दोबारा हो रखी है ना तो इसका मतलब ये रीअकरिंग है नॉन रियकरिंग नहीं है इसके अंदर ये नहीं है कि फोर सेवन एट के बाद आगे नाइन फाइव एट समथिंग कुछ आया हो अलग आया हो कुछ नहीं वो सेम चीज़ आई है तो सेम चीज़ आई है तो इसका मतलब ये भी इसका ये पार्ट है तो ये किसका पार्ट है रैशनल नंबर का तो इसलिए हमने इसको क्या बोला ये भी हमारा क्या है रैशनल नंबर है ठीक है अब उसके बाद है जो हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पार्ट उसके अंदर है हमारे पास वन पॉइंट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और आगे वन लैक सो ओन ठीक है यहाँ फिर भी चलता जा रहा है तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा पहले हमारे पास टेन था फिर हमारे पास हंड्रेड था फिर हमारे पास थाउजेंड था फिर हमारे पास टेन थाउजेंड अब इसके केस में फ़ोर सेवन एट फोर सेवन एट फोर सेवन एट रिपीट हो रहा था लेकिन यहाँ पे क्या सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही यहाँ पे नई नई चीज़ें आ रही है हमारे पास तो इसका मतलब ये हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि आगे टर्मिनेट नहीं है सेकेंड नॉन रियकरिंग क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं हो रही है टेन है दोबारा टेन तो नहीं है दोबारा हंड्रेड है ठीक है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर है ठीक है तो ऐसे करके हम जो ये हमारी एक्सरसाइज है इसको हमने क्या किया पूरा कंप्लीट कर लिया अब आज हमारी जो वन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज है वो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं हम अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वन पॉइंट फोर एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसके साथ तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट